कमों से कंस ने। आज गौ का रूप बनाया है पृथ्वी ने, विष्णु भगवान के पास पहुंची है। आज विष्णु भगवान ने कहा है कि मैं द्वापर में जन्म लूंगा कृष्ण भगवान के रूप में, जब तुम्हारे भार को हटाऊंगा, जब पापियों का वध करूंगा, उद्धार करूंगा। और आगे इधर में भोजराज कंस की बहन का नाम था देवकी, जिसे भोजराज कंस अपने प्राणों से प्यारी रखता था। उसकी शादी करने लगा है भोजराज कंस। इतनी खुशी है कैसे छाए रही खुशी अपार नगर में बाजे बजे, छाए रही खुशी अपार नगर में बाजे बजे, छाए रही खुशी अपार नगर में बाजे बजे, छाए रही खुशी अपार नगर में बाजे बजे। भोजराज कंस अपनी बहन देवकी की शादी विदाई कर रहा है बड़ी धूमधाम से। आहा, जैसे विदाई करने लगा है, बहन देवकी रोने लगी है, भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, विदेश में कहां मुझे दे रहे हो, मैं कैसे रहूंगी, इतने लाड प्यार से पाला है आपने। कह लगी बहन, बेटी को एक दिन जाना ही होता है ससुराल, बाप का घर नहीं होता, ससुराल जाना ही होता है। जैसे ही विदाई करके रथ आगे बढ़ा है तो क्या आवाज आती है, एक कंस कंस बती भूली जरा, जो फूल फूल पूरा जाएगा। कंसो कंस हो समय तू तो रहे तो धूरी में दे तो मिलाएगा। आकाशवाणी की आवाज आती है, कंस अपनी बहन को इतने प्यार से विदाई कर रहा है धन दौलत के अनुसार, लेकिन सो इसका धमा तुम्हारा होगा, देवों का मन बढ़ाएगा, नरेश का समसी कह रहो है वो तो कुतूहल में अपनी बहन देवकी की इतनी सुंदरताई से धन दौलत से विदाई कर रहा है, इसी का पुत्र होगा आत्मा, वो तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने आकाशवाणी की आवाज सुनी, क्या कहा, मेरा काल? बोले हाँ। आहा, क्या हुआ, अरे चवरे कंस हो जाओ, समय आओ
पहुंचा है। आज अपनी बहन देव की केस पकड़ लिए और रस्ते से खींच लिया है। मेरा काल जनेगी, मुझे मरवाएगी, मैं धूमधाम से तेरी शादी कर रहा हूँ, तेरा ही पुत्र मेरा काल होगा, आज नहीं छोड़ूंगा। बस देव जी रोने लगे हैं, हे भोजराज कंस छोड़ दो इन्हें। बोले नहीं छोड़ूंगा। आज उग्रसेन आ गए हैं भोजराज कंस के पिता, कह लगे हे कुकर्मी अपनी बहन को ऐसे मार रहा है। बोले मेरा काल जनेगी, इसलिए मैं इसको ही खत्म कर देता हूँ, मेरा काल कहां से आएगा, मैं मरूंगा ही नहीं कभी। आज उग्रसेन और बसदेव जी ने कहा है ऐसा करो, जो हमारे औलाद होगी उसे हम आपको दे देंगे, हमें जेल में डाल दो। भोजराज कंस के कुछ समझ में बात आई, आज जेल में डाल दिए हैं बसदेव और देव की अपनी बहन। धीरे धीरे समय गुजरे हैं, शादी का माहौल ही ऐसा होता है और फिर कहां जेल में चले जाएं। आज जेल में पड़ी पड़ी रो रही है देव की बहन, क्या बोली है, पति में दुखिया पड़ी भाई, तलवार का झुकना दिखती है, पति की से दल की अभिला कलियब मोती की घड़ी देखती है। करके बसदेव जी चले हैं, भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे हैं, दिया है लिए महाराज, ये बच्चा पैदा हुआ है। आज भोजराज कंस को कुछ दया आ गई, सोचने लगा मेरा काल तो आठवां पुत्र है, ये मेरा काल नहीं लौटा दिया है। आज देव की मैया बड़े लाड़ प्यार से दूध पिला रही, खुश हो रही है, पुचकार रही, लाड़ प्यार करती है अपने पुत्र पर। लेकिन देवर्षि नारद का आना हुआ है भोजराज कंस की कचहरी में, कैसे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण
सुंदर झांकी आ रही, भगवान कन्हैया का जन्म होने जा रहा है।